कुछ टाइम से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान था। क्योंकि यार मेरी ना सेल्स नहीं इंक्रीज हो रही थी। ये ग्राफ देखो जो कि 22 जून से 22 जुलाई तक का है, और इसको देख कर ना आई वॉज लाइक मजा नहीं आ रहा है। एंड देन इस दिन मैंने डिसाइड करा कि अगले 30 दिनों में मतलब 22 अगस्त तक मैं सेल्स को डबल करके रहूंगा। फिर क्या था, मैं पागलों की तरह दिन दिन रात रात भर बैठ करके बस काम करने लग गया। और 100 से भी ज्यादा टॉप एटसी शॉप्स को स्टडी किया, समझा कि आखिर क्या वो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हुए। और जब फाइनली एक महीना हुआ मतलब कि 24 अगस्त आया, और फिर मैं बैठ गया बस स्टैट्स को देखने के लिए। मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का था। खैर देखो, रिजल्ट्स को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम समझते हैं आखिर इन 30 दिनों के अंदर मैंने ऐसा क्या क्या सीखा, क्या क्या करा। तो भाई सबसे पहली चीज है मेक योर शॉप प्रोडक्ट फोकस्ड फर्स्ट। बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, जैसे अगर आपके शॉप पर कोई बायर विजिट करता है तो वहां पर आप देखोगे लाइक बैनर की जगह पे कुछ भी डाल रहे होते हैं, लाइक सिर्फ लोगो चिपका देते हैं, इवन ब्लैक सा रहता है। इसकी जगह पे सबसे पहले आपके शॉप को पूरा प्रोडक्ट फोकस्ड बनाना है। अगर कोई बायर विजिट करता है तो उनको पता लगे कि आप आखिर सेल करते क्या हो। बैनर पे सिर्फ लोगो चिपकाने की जगह पर ट्राई करो कि वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करो, जो भी आपके बेस्ट सेलिंग आइटम्स है, जो भी आपके अच्छे आइटम्स है जो दिखने में भी और एक्चुअल में सेल भी हो रहे हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका शॉप का नेम है उसके नीचे लिखा रहता है आपके शॉप के बारे में कि आखिर आप सेल करते क्या हो। तो वहां पर बहुत से लोग सिर्फ कोट लिख देते हैं या फिर कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा बताना है कि भाई आप आखिर सेल करते क्या हो, जिससे कि अगर बायर को विजिट करते हैं तो उनको सबसे पहले पता लगेगा बैनर के थ्रू कि आप क्या सेल करते हो। साथ में आपने लिखा हुआ है कि क्या क्या आप एक्चुअली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सामने देखोगे यहाँ पे इनके शॉप का नाम वेक्टर पोर्ट आर्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर लेजर कटिंग। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लेकिन किसके लिए, लेजर कटिंग वाले। अब लेजर कटिंग में बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं, अगर आप इनके शॉप का पूरा जाके चेक करोगे आपको दिखेगा कि भाई ये लोग उसी तरह के आइटम्स को सेल करते हैं। तो मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि भाई ये लोग क्या सेल कर रहे हैं। उसके बाद ये दूसरी चीज़ जो मैंने जितने भी सक्सेसफुल एटसी सेलर्स थे सबको एनालाइज करा, उन सब ने इन चीज़ पे फोकस करा हुआ है, और वो है ब्रांडिंग। यस, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा, और जिनके शॉप का नाम अपस्टार्टर है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है शॉप पर, उन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप एनालाइज करोगे, चीज़ों को देखोगे, आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि इनका पैटर्न है, इनकी जो ब्रांडिंग है, इनका जो कलर है, वो सारी के सारी चीज़ों में मतलब जितने प्रोडक्ट्स हैं सब में बिल्कुल सेम है। इनके जो पहले प्राइमरी इमेज है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का बिल्कुल एक तरीके से है। जो कलर कॉम्बिनेशन इनका आप देखोगे इस तरीके के ब्लैक और ये दो कलर्स में ज़्यादा चल रहे हैं, और मेन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने सेल्स को हाईलाइट करने के लिए रेड और व्हाइट कलर का यूज़ करा है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, राइट। सेम इसी तरीके से मैं सेलर का दिखाता हूँ जिन्होंने सेम पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। अगर आप इनके प्राइमरी इमेज को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे ध्यान से, तो आपको देखेगा ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से उन्होंने करा हुआ है, जहाँ पर जो भी है प्रोडक्ट्स इनके सारे के सारे देखोगे, मतलब जब जो भी सबके प्राइमरी इमेजेस है वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से हैं। जो कॉन्टेंट स्टाइल है इनका, जो कि इनका प्रोडक्ट के बारे में जो है, वो एक देखोगे ऑलमोस्ट सबके सेम सेम रखे हुए, ताकि बाहर एक बार में चीज़ों को समझ पाए कि भाई ये प्रोडक्ट किस बारे में है। तो भाई तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी मेरे को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मैं इसको लेकर के। इसके लिए मैं कई सारे फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, कई सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर रहा हूँ, जहाँ से मैं वो चीज़ सीख पाऊँ, और वो है स्टोरी। यस, स्टोरी टेलिंग, जिसको लेकर के मतलब मेरे को मज़ा आ रहा है सीखने में, और स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही चीज़ आप अपनी शॉप में कर सकते हो। तो जो भी बायर विजिट करता है, फिर जो व्यूअर बेसिकली जो आपके शॉप पर विजिट करता है, आप उनको बताओ कि आप लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, कैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा ऑप्शन, तो आप वहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकते हो, दे सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पर बेसिकली। एक स्टोरी का एग्जांपल दिखा दो, जहाँ पर इन्होंने अपने बारे में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, सारे यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं,
साथ में उन्होंने अपने ब्लॉग के बारे में बताया कि भाई मैं 2012 से अपने ब्लॉग को रन कर रही हूँ, इस तरीके से चीजें हम कर रहे हैं। उसके बाद हाउ इट स्टार्टेड, लाइक इन्होंने अपने शॉप को कैसे स्टार्ट करा, इन्होंने ई कॉमर्स में 2002 में एंटर करा था, फिर एटसी के बारे में एटसी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। उसके बाद इन्होंने मार्केटिंग बुक के बारे में लिखना स्टार्ट करा अमेजन वगैरह के बारे में, फिर इन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में लिखा हुआ, फिर इन्होंने अपने अबाउट के बारे में लिखा हुआ, अपने कस्टमर सर्विस के बारे में, फिर क्वेश्चन वगैरह है तो उसके बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे इनके, इन्होंने अपने बारे में, अपने बिजनेस बारे में वो सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, जो एक व्यूअर के लिए अगर मैं इनके शॉप पे जा रहा हूँ, मेरे को पढ़ना है इनके बारे में, तो मैं इनके बारे में सब कुछ जान जाऊँगा सिर्फ एक जगह से, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है ये। फोर्थ चीज़ जो कि मैंने उनके जो सक्सेसफुल शॉप से उनमें देखा वो था डुप्लीकेट बेस्ट सेलिंग आइटम्स। अब इसका क्या मतलब है, चलो आपको एग्जांपल के साथ मैं दिखाता हूँ। तो इस शॉप को आप देखोगे, इनके शॉप पर भी बहुत अच्छी खासी सेल है, तो इस प्रोडक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर देखोगे, तो इनके इस प्रोडक्ट को देखोगे ना, ये प्रोडक्ट इनका काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब सेलिंग वाइज तो इनका बहुत अच्छा सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या करा, अगर आप यहाँ पर रिव्यूज़ में देखोगे, तो इस प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इन्होंने एक ग्रीन टाइप का बना रखा है, जो कि जो इनका ये डिज़ाइन है इस तरह का वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एटसी पिक भी, मतलब ये अच्छा खासा आइटम चल भी रहा है, और रिव्यूज़ भी अगर आप देखोगे 151 रिव्यूज़ है, मतलब जो कि सेल में बहुत अच्छी खासी सेल है इनकी। तो इस प्रोडक्ट को क्या करा, इनको पता लगा भाई ये जो प्रोडक्ट है मेरी शॉप में बहुत अच्छा चल रहा है, इन्होंने इसी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करा। अब यहाँ पे इनके शॉप में खोलूँ तो वो सेम शॉप सेम है, इसी तरह का प्रोडक्ट इन्होंने दोबारा से क्रिएट करा, जो कि इन पर बहुत अच्छा सेल है, मतलब 7 रिव्यूज़ है, इसका मतलब सेल भी इन पर बहुत अच्छा खासा है, मतलब हाँ अच्छा खासा सेल है, रिव्यूज़ का रेट हमेशा कम होता है। उसके बाद इन्होंने दोबारा से एक और आइटम जो सिमिलर आइटम क्रिएट करा, वो कुछ इस तरह का था, इन पर भी सेल अच्छा खासा है, मतलब अगर आप एक बेस्ट सेलिंग आइटम जो आपके शॉप में चल रहा है उससे सिमिलर आइटम अगर आप दोबारा से बनाते हो, उसको डालते हो, तो उसके चांसेस हैं कि वो आइटम भी सेल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एज इट इज सेल करो, एज इट इज़ वही आइटम बना दोगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको करना है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखोगे, इन्होंने जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस वाले में चेंज करा, इसका डिज़ाइन चेंज करा है, और इस वाले में थोड़ा सा कलर चेंज करा, बस इतना सही फ़र्क है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। तो अभी तक ना हमने शॉप को समझा कि शॉप में ऐसे कौन कौन से सक्सेस के लिए फैक्टर्स होते हैं जो ज़रूरी होता है, अब हम प्रोडक्ट को थोड़ा समझते हैं कि प्रोडक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो अगर आप कोई बायर सर्च करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर अगर वो डायरेक्टली विजिट भी करता है आपके शॉप पर, तो उनको मतलब प्रोडक्ट पर बेसिकली, तो उनको सबसे पहले क्या दिखता है, आपका प्रोडक्ट, राइट, मतलब प्रोडक्ट का इमेज दिखता है, प्राइमरी इमेज दिखता है। तो आपको हमेशा जो आपका प्राइमरी इमेज है वो आपको क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल बनाने से क्या मतलब है, चलो दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में जो बना रहे वो पोर्ट्रेट है इनका, तो इन्होंने पोर्ट्रेट तो लगाया ही है साथ में कि पोर्ट्रेट आपका इस तरीके से बन जाएगा, साथ में जो इन्होंने विजुअल उठाए हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब वो एक फॉरहेड पे किस करते हुए लगाया है अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को जो भी है, तो वो कहने की चीज़ें अट्रैक्ट करती है कि यार वो ऐसी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद साथ में इन्होंने यहाँ पर एक फ्री दे रखा है, लिखा हुआ है बाय वन गेट टू, मतलब कि ये वाला जो आइटम ये दे रहे हैं जो पोर्ट्रेट है, फेसलेस पोर्ट्रेट, उसके साथ में स्केच वाला जो आर्ट है वो भी फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने लिखा हुआ वो है रेडी इन 6 आवर्स, मतलब कि अगर मैं अभी ऑर्डर करता हूँ तो ये 10 बजे रात तक मेरा बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जिससे कि क्या होता है, हमारा एक एज ए बायर हमको दिखता है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट के साथ में इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, कि मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है साथ में, फ्री मिल रहा है साथ में, ये मेरे को बहुत जल्दी रेडी भी हो जाएगा, तो ये एक हमको क्लिक करता है एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर हमको क्लिक करता है, और हम इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लाइक क्यूरियस हो जाते हैं और खरीदना स्टार्ट कर, मतलब खरीद लेते हैं बेसिकली। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट में एग्जांपल देखो कि इन्होंने लिखा हुआ जो प्रोडक्ट का नाम है ऑल इन वन वेट लॉस एंड फिटनेस ट्रैकर, तो जो भी खरीद रहा होगा उनको समझ में आएगा, वेट लॉस को हाईलाइट करा है ना, वेट लॉस एंड फिटनेस ट्रैकर है, साथ में ऑल इन वन 9 टैप्स, और साथ में आपको गूगल शीट का आइकन उन्होंने दे दिया, ताकि समझ में आए कि प्रोडक्ट है क्या, मतलब किस तरीके से बना है, किस में एक्सेस कर पाऊंगा। जो खरीदने बेसिकली उनको पता होगा अलग अलग तरीके से चीज़ें बनती है, नोशन में बनता है, एक्सेल में बनता है, तो गूगल शीट बहुत सिंपल होता है, तो लोगों को गूगल शीट पसंद होता है, उन्होंने गूगल शीट को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद अगर इनके भी इमेज को देखोगे, जिसका मैंने एग्जांपल पहले भी आपको बताया अप स्टार्टर का, तो इनका भी देखोगे प्रोडक्ट में इन्होंने अल्टीमेट एटसी एसईओ सिंपल सितंबर, इन्होंने ये अपडेट भी कर दिया, इवन सितंबर का मंथ चल रहा है, तो इन्होंने अपडेट भी कर दिया सितंबर 2024, बिकॉज ये आइटम इनका अच्छा खासा सेल हो रहा है, तो इन्होंने पूरा इस तरीके से हाईलाइट करा हुआ है 1058 प्लस सेल्स इनका है सितंबर 2024 का वर्जन जो इस महीना चल रहा है। साथ में जो भी कंटेंट उन्होंने दे रखा है वो एक व्यूअर पर्सपेक्टिव से, जो बंदा कस्टमर है इनका, उनके पर्सपेक्टिव से वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बंदा कहीं ना खरीदने के लिए वो खरीद लेगा आइटम बेसिकली, ठीक है, वो आइटम खरीद लेगा, अगर खरीदने आए तो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करा रखी है इमेज पे, वो क्लिक कर देगा इस पे आके, तो ये पावर है आपके क्लिकेबल प्राइमरी इमेज की। तो अगला सक्सेस फैक्टर है
जो आई एम श्योर आपको पता ही होगा उसके बारे में, लेकिन शायद आप यूज़ नहीं कर रहे उसको, वो है यूज़ 10 इमेजेस इन योर ईच लिस्टिंग्स। यस, देखो अगर कोई बायर आपके प्रोडक्ट तक आता है तो आप जो भी आपके लिस्टिंग्स है उसमें आप जितने ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर सकते हो, मतलब 10 ही कर सकते हो, लेकिन 10 में आप अलग अलग एंगल के प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के इमेजेस पे गैलरी में हाईलाइट करोगे चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपके जो कन्वर्जन का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो अभी हमने लिस्टिंग खोला था पहले उसका एग्जांपल दिखा था, फॉर एग्जांपल इनमें देखोगे इन्होंने जो प्राइमरी इमेज वो तो अच्छा बनाया ही बनाया, साथ में इन्होंने वीडियो बताया जो कि आगे बताऊंगा इसके बारे में, साथ में अगर आप इमेजेस को देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि मिनिमल है, डिटेल्ड और रियलिस्टिक है, तो तीन तरह के इन्होंने ऑप्शन दिए, जिस भी तरह का आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, जो कि मेरे को जरूरी जानना है, मतलब समझ में आएगा हाँ भाई किस किस तरह की चीज़ें और बनती है इसमें। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत प्यारा ऑफर दिया जिससे कस्टमर डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, वो है बाय वन गेट टू, यस गेट ए फ्री पेंटिंग विद एवरी परचेज। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा एग्जांपल कि आपके फोटो है साथ में इस तरह का बनेगा, साथ में प्लस ये स्केच वाला जो आर्ट है वो भी आपको फ्री मिलेगा। अमेजिंग राइट, बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी वैसे। फिर यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाया पेंटिंग योर फोटोज़, आपके जो भी रेगुलर फोटोज जो आप क्लिक करते हैं वो है साथ में, साथ में जो इन्होंने बनाया है एज एन आर्टिस्ट जो इन्होंने बनाया वो इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया, जो कि बहुत अमेजिंग है। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा दिया, कुछ जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है किसी और कस्टमर्स के लिए वो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, जो कि एक टेस्टिमोनियल के टाइप है जहाँ पे दिखेगा अच्छा किसी और लोगों ने बनवाया तो उनको क्या रिजल्ट मिला है। फिर यहाँ पे भी सेम इन्होंने वो चीज़ दिखाया है, हाईलाइट करा हुआ है, इसलिए टेस्टिमोनियल इसको बोलेंगे, तो वो इन्होंने हाईलाइट करा हुआ है। फिर नेक्स्ट में भी यहाँ पे इस तरीके की चीज़ हाईलाइट करी हुई है, साथ में उन्होंने बता रखा है कि व्हाट वी कैन ड्रॉ, लाइक हम करते हैं किस किस तरह की चीज़ें फैमिली में, विद टेक्स्ट, विद पेट्स, फ्रेंड्स, वेडिंग एंगेजमेंट प्रपोजल, बैकग्राउंड्स, तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करा हुआ है। फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है बायर्स के लिए, जो कि हाउ टू ऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं समझ में आता भाई कैसे बाय करें, तो आपको बताना जरूरी है कि एक्चुअल में आप जो भी आपका बायर है उसको समझाओ आपके प्रोडक्ट के बारे में कि वो कैसे बाय कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स इसमें चाहिए होगा रिक्वायर्ड है तो वो कैसे आपको भेजेंगे, राइट। लोगों को नहीं पता होता तो आपका फर्ज बनता है एज अ सेलर आप उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन दो जिसके थ्रू वो लोग पूरा कन्विंस हो जाए और आपके प्रोडक्ट को खरीद लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेवन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसको बहुत सारे लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं यार इससे क्या ही होगा, तो वो है प्रोडक्ट वीडियो। तो भी एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे इनमें सारे देख, सारे इमेजेस तो हैं ही इनमें, साथ में जो भी एंगल अलग अलग एंगल इन्होंने प्रोडक्ट का दिखाया हुआ है, साथ में अगर आप वीडियो देखोगे ना लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बेसिकली आपको अपने जो प्रोडक्ट आपका जो भी आपने फोटोशूट कराए उसको साथ में आप वहीं पे जो दो चार क्लिप बना लो वीडियो का और वो आप उसको एडिट कर सकते हो VN या फिर इनशॉट ऐप में फ़ॉन्ट से एडिट कर सकते हो, फिर आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप देखो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ये जो भी आपका प्रोडक्ट है इसमें दिख जाता है कि हाँ भाई इस तरह का प्रोडक्ट मेरे को मिलने वाला है, तो इससे कस्टमर का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, लगता है कि हाँ भाई ये सेलर भी ऑथेंटिक है, साथ में प्रोडक्ट से मतलब देख करके आप समझ सकते हो भाई ये प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके का शेप होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी, इसलिए प्रोडक्ट की वीडियोज़ को देख करके, और इससे आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है ना हमारा, वो है हमारा प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। देखो बहुत सारे लोग इसको मतलब सही तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते। अच्छा करने का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा है सामने, इसमें अगर आप टाइटल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी आपको, पर्सनलाइज 3D वुडन कार्टून फिगरिन करिकेचर, ये हम नहीं करा बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 कीवर्ड डाले, तो ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको स्टार्टिंग में टाइटल के हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बनाना है, साथ में फिर 2 से 3 4 कीवर्ड आप डाल के एक परफेक्ट टाइटल आपका बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का टाइटल अगर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आती है कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी सारी डिटेल्स बताई हुई, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप स्टार्टिंग में ही डिस्क्रिप्शन में डाल दो सारी चीज़ें, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में वो सारी की सारी चीज़ें को ज़रूर मैंशन करो। अब जो नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है वो वैसे तो लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्योंकि और भी कई सारे सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो मैंने अभी तक 30 दिनों के अंदर वो एनालाइज करा वो है FAQs, मतलब ये लास्ट है, जो बहुत सारे बड़े सेलर्स भी इस चीज़ को मतलब नहीं कर रहे थे, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज़ नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है, करोगे तो डेफिनेटली बायर को एक हेल्प मिलता है, मतलब बायर परस्पेक्टिव से अगर आप सोचोगे, अगर आप खुद खरीदने जा रहे हो तो जो भी मन में आपके क्वेश्चन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड, वो आप वहाँ पर डाल सकते हो, जो कि बायर अगर वो आ रहा खरीदने, कुछ भी मन में डाउट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी साइज़ के बारे में, शिपिंग के बारे में, कुछ भी पॉलिसीज़ के बारे में, तो वहाँ पर FAQs के सेक्शन में ही वो देख सकता है। तो बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा कि इन्होंने लिखा हुआ कि इन्होंने नहीं लिखा हुआ, बट अगर एज अ सेलर आप लिखते हो तो इससे
बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे जो सेलर आपके प्रोडक्ट यहाँ पे देखेगा, बहुत से सेलर्स को देखा जहाँ पे नहीं भी था, बट कोई बात नहीं, बट अगर आप डालोगे एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपके बायर्स को हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अगर आप आते हो नीचे, जब कस्टमर आता है यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवरी वगैरह के बारे में सारी चीजें देख लेगा, तो FAQs यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है, जो अगर मैं इसको नीचे करता हूँ फोन में तो और बड़ा सा दिखता है, लैपटॉप में देख रहा हूँ मैं, कैन आई सेंड यू द फोटोज फर्स्ट टू चेक इफ इट वर्क्स फॉर द स्टाइल। तो यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा FAQs लिखा हुआ है, जहाँ पर बता रखा है कि मैं अगर फोटो सेंड करूँ क्या ये मेरे लिए काम करेगा फिर नहीं करेगा, किस तरह का स्टाइल आप बना कर दोगे, वो इन्होंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो बायर के माइंड में ऑब्वियसली आएगा, राइट, तो वो आएगा, इन्होंने यहाँ पर फिर उसका आंसर कर दिया है। उसके बाद हाउ शुड आई प्रिंट माई डिजिटल इलस्ट्रेशन, तो अगर वो मतलब अगर डिजिटल प्रिंट खरीदा है तो भाई उनके मन में क्वेश्चन मैं कैसे प्रिंट करूंगा इसको, तो इन्होंने ये क्वेश्चन बायर के माइंड से समझा और उसको फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा एग्जांपल दिखा दिया भाई, कैसे आप बता दिया एग्जांपल कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड FAQs हो सकते हैं ना, जो भी हो सकता है, अब देखो आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, बट फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, रिसर्च करो, आपको दिखेगा जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसमें और सेलर्स उन्होंने FAQs में क्या डाला हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द सेलर्स आपको दिखेगा कि शायद उन्होंने नहीं डाल रखा, बट अगर आप बड़े बड़े सेलर्स को देखोगे जो सक्सेसफुल हैं, जो एक्चुअल में जानते हैं इसका मतलब, इसका मीनिंग जानते हैं, मतलब इनका जो भी FAQs डालने का जो इम्पोर्टेंस अगर वो जानते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने डाल रखा होगा, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जा करके फिर उनसे क्वेश्चन लेके अपना आंसर जो है अपने हिसाब से बना सकते हो, अदरवाइज आप ChatGPT और कई सारे AI टूल्स हैं वहाँ से भी आप बना सकते हो, ठीक है। सो या तो गाइस यही थे वो 9th सक्सेस फैक्टर्स जो मैंने अभी तक 30 दिनों के अंदर जो पूरा अपना टाइम लगा करके समझा कि बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, ऐसे सेलर्स वो ऐसा कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सेल्स मिली है, सक्सेसफुली अपने शॉप को रन कर रहे हैं। तो यही वो 9 सक्सेस फैक्टर्स थे, अगर आप इनको और अच्छे से समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे अपने शॉप पे, अपने बिजनेस में, डेफिनेटली आपका जो शॉप है वो ग्रो होगा, ठीक है, इससे आपका जो धंधा है वो बहुत इंक्रीज होगा। सो डेफिनेटली इन 9 सक्सेस फैक्टर्स को अपने हिसाब से समझना और आप अपने शॉप में इंप्लीमेंट करना। देखो भाई अगर आपके पास शॉप नहीं है तो वो एक बात अलग है, अभी ऑनबोर्डिंग बंद है, बट अगर आपके पास शॉप है तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अब आ रही है तो रिजल्ट देखने की, तो भाई रिजल्ट जो था वो क्या था, चलो दिखाता हूँ। तो देखो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में, तो 22 जून से 22 जुलाई मैंने अपना सेलेक्ट कर रखा है अभी, ठीक है। तो और अगर मैं देखूं यहाँ पे 14 ऑर्डर्स मेरे को मिले थे जब मैं उस टाइम मैंने देखा था कि मेरे को इसको इंक्रीज करना है। अब मैं अगर 22 जुलाई से लेके अगर मैं 22 अगस्त तक का रिजल्ट देखूं तो क्या रहता है वो दिखाता हूँ। तो ये मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। सो यस, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे वो है 31 ऑर्डर, मतलब 14 से वो अगर डबल करेंगे वो 2800 होगा, और यहाँ पे 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा ही है, मतलब 31 ऑर्डर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा सेम चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के बाद। और ये लॉन्ग टर्म गेम है, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत में रिजल्ट मिलेगा, वही सब चीज़ें आप लॉन्ग टर्म तक करोगे आपको रिजल्ट 2 गुना या 10 गुना भी मिलेगा अगर आप चीज़ों को इंप्लीमेंट सही से करोगे तो, ठीक है। तो बस ये थे वो ऐसे 9 सक्सेस फैक्टर्स जो बड़े ऐसे सेलर्स को हेल्प कर रहा है उनको रिजल्ट लाने में। तो इनको मैंने पूरा एनालाइज करा था सारी चीज़ें, और वही सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करा है। सो डेफिनेटली अगर आप इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे अपने शॉप पे तो आपको भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले। सो मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान से अगर आप अभी सीख लिया, समझ लिया आपने, तो प्लीज़ इसको इंप्लीमेंट भी जरूर करना। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना नीचे। और हाँ, अगर आपको SEO के बारे में डिटेल में सीखना है, मैं उसके ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूँ, तो लिंक नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। बाकी एक SEO मास्टर क्लास जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें बता रखा है Etsy के सर्च के बारे में कि कैसे काम करता है, वो साइड में आपको वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अभी के अभी इस वीडियो को देखो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।